पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि भाजपा के लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को प्रलोभन देकर उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी से सबूत मांगा, जिसे लेकर आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कई भाजपा नेताओं ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस मामले की जाँच के लिए SIT गठन करने की मांग की। इस पूरे मामले को लेकर सुनिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बातचीत में क्या कहा। बात उन्होंने दो दिन पहले कही, पीछे का लेयर मोबाइल हमारी 21 MLA से भारतीय जनता पार्टी के लोग संपर्क कर रहे हैं और 25-25 करोड़ की रिश्वत दी जा रही है। हमने कल नीचे बात से कहा था कि आप आइए हमारे साथ चलिए और हम मिलकर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि इसकी जाँच की जाए। कौन लोग हैं जो आपसे बात करते हैं? लेकिन आदतन अरविंद केजरीवाल झूठ बोलकर भाग जाते हैं, आज नहीं आए। इसलिए हमारे सभी सम्मानित सांसद, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे विधायक, हम सब ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी दी और मांग की कि इस तरह की जो आदत है जो पत्थर फेंकना और भाग जाना, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलेंगे और बच के चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप लोकतंत्र को मजाक समझते हैं। आप अपने भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, आप अपनी कमजोरियों से छुपना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बकवास आप करेंगे और हम सुनेंगे, ऐसा संभव नहीं है। वो शिकायत हमने की है और इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके खिलाफ PSC सेक्शन 8 में 1980 के तहत कुछ धाराएँ हैं जिसमें हमने उनका रेफरेंस दिया है अपने एडवोकेट के माध्यम से, और हमने उनसे निवेदन किया है पकड़ो अपना आगे से पूरी तरह से जांच करवाएं और जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई। वहीं इस विषय को लेकर दिल्ली से संवाददाता शुभ सेठ ने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी से खास वार्ता की। सुनिए इस मुद्दे पर रामवीर सिंह बिधूड़ी की बातचीत। आदित्य पहले भी नारायण सिंह बिधूड़ी से हमेशा बात करने के लिए तो आम आदमी पार्टी क्या है लोटस 2.0 के तहत आप विधायकों को खरीदने की कोशिश करेंगे, इससे पता है जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दिनकर सचदेवा जी की लीडरशिप में आज दिल्ली के सभी MPs और MLAs ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मिलकर ज्ञापन दिया है SIT इस मामले की जांच करे और यदि वो जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए गए हैं वो साबित नहीं कर पाते हैं उनके खिलाफ FIR हो, उनको नोटिस देकर बुलाया जाए। बार बार अरविंद केजरीवाल इस तरह का झूठ बोलते रहे हैं और अब हम उनका जो बार बार झूठ बोला जा रहा है इसको हमेशा के लिए इसका अंत कर देंगे। जो इस बार झूठ बोला गया है पक्के तौर पर उनके खिलाफ और आरजी के खिलाफ FIR होगी, मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री को भी आपने चैलेंज करा था कि वो भी यहाँ पुलिस ने कल कहा था। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को भी उनकी पार्टी की जो सरकार में मिनिस्टर है आतिश सिंह उन सभी से आग्रह किया कि आइए हम सब लोग मिलकर पुलिस कमिश्नर के पास चलेंगे और मिलकर उनसे मांग करेंगे कि इस मामले की जाँच की जाए और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री मैदान छोड़कर भाग गए, उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया इस पर। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल निरंतर अनेक मुद्दों पर झूठ बोलते रहते हैं, तो इस बार हम उनको भागने नहीं देंगे। आज जब कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई हो सकती है वो उनके द्वारा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात करके बीजेपी से हेलो की रामवीर सिंह जोड़ी जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी लगातार दंज कसते हुए नजर आ रही, साथ ही साथ उन्हें चुनौती दी थी कि आज वो पुलिस हेडक्वार्टर कमिश्नर के सामने आए और साथ ही दोनों पार्टी एक साथ होकर फैसला करे क्या सही है क्या नहीं। NK News के लिए दिल्ली से।